फ्रेंड्स, आज हम सॉलिड फ्लो फीडर FLS P-Fister का USB में अपना बैकअप लेंगे, पेन ड्राइव में बैकअप लेना एंड उसको वापस उसमें रिस्टोर कैसे करते हैं वो बताएंगे आज जी। हमारा CPU है FLS का, इसमें ही हम USB स्लॉट रहता है, इसमें हम पेन ड्राइव को अपना लगाएंगे। को लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे जो ऊपर आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर तक हेल्दी मेमोरी हेल्दी एंड नॉट USB डिसकनेक्टेड आ रहा है। यहाँ पे जो USB डिसकनेक्टेड आ रहा है वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा एंड USB कनेक्टेड शो करेगा, जैसा कि मैं अभी दिख जाएगा आपको डिस्प्ले में। इसमें कभी कभी टाइम भी लगता है, 5 मिनट 10 मिनट भी लगते हैं, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है ये USB होस्ट है। USB कनेक्टर से होने लगा। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन USB कॉन्फ़िगरेशन टू बैकअप कॉन्फ़िगरेशन टू USB इस पर क्लिक करेंगे तो कनेक्टेड कंप्लीट सक्सेसफुली दिखाएगा। उसके बाद हम कॉपी पैरामीटर लिस्ट टू USB करेंगे तो वहां भी कंप्लीट सक्सेसफुल दिखाएगा। उसके बाद बैक जाएंगे और हम कमिश्निंग में जाएंगे 1.7 में, USB ऑपरेशंस में जाएंगे। यहां से हम USB में जो डाटा है उसको हम दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं अपने जो FLS P-Fister का जो डिस्प्ले है उसमें, मतलब CPU है उसका सारा डाटा CPU में स्टोर रहता है मेमोरी में। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर हमारा। इस तरह से ऑनलाइन हम वापस ऑनलाइन करके वापस जाएंगे। अगर हम और ये हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसका पासवर्ड रोज चेंज होता है, जो कि डेट के अनुसार रोज चेंज होता है। मैं आपका उसका अलग से वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू।